हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल टू गुरु जी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 8 की, जो कि 20 अक्टूबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 6 का हिंदी विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज इस कार्यपत्रक में हम बात करेंगे आपके पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 की, यानी कि वसंत पुस्तक के, आपके पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 3 की, जिसका शीर्षक है नादान दोस्त, और ये इसका भाग 1 है। तो जो पाठ है आपका, यानी कि नादान दोस्त, ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई। तो आइए देखते हैं कि आपका कार्यपत्रक क्या कहता है। प्यारे बच्चों, आज से हम जो भी कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह अपनी पाठ्यपुस्तक वसंत में पाठ 3 है। कहानी का नाम है नादान दोस्त। ये कहानी श्री मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। जैसा आप हमेशा अपने दोस्तों को मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, उसी प्रकार की कहानी में केशव और श्यामा भी अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हैं। केशव और श्यामा अपने दोस्त कौन से दोस्त हैं और उन्होंने किस प्रकार अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, आओ कहानी में पढ़कर जाने। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है आपके कार्यपत्रक में। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के पास उसके सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ये ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। तो क्या हुआ, केशव के घर के पास में जो दीवार की ऊपर की जगह थी थोड़ी सी, वहाँ पर एक चिड़िया ने अंडे दिए और उसकी बहन श्यामा और केशव दोनों के दोनों उन चिड़ियाओं को देखते रहते, यानी कि उस जोड़े को, चिड़ा और चिड़िया के जोड़े को देखते रहते कि वह दोनों बैठे रहते हैं वहाँ पे और अपने अंडों की देखभाल करते हैं। और वह सवेरे उठ करके तुरंत उन्हें देखने के लिए चले जाते हैं और देखने में इतने मसरूफ हो जाते कि उन्हें ये भी नहीं पता चलता था कि उन्हें खाना कब खाना, नाश्ता कब करना, ठीक है। और उन्हें देख करके उनके मन में कई तरह के सवाल भी उठते। कैसे सवाल उठते आगे देखते हैं। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर में काम धंधे से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपना दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। तो क्या हुआ, वे अलग अलग तरह के सवाल करते थे। कैसे सवाल करते थे कि अंडे कितने होंगे, किस तरीके के होंगे, उनको क्या खाने को मिलता होगा, क्या नहीं मिलता होगा। तो वह बातें किसी और से नहीं पूछ पाते क्योंकि उनकी जो मम्मी थी या माँ थी वह घर के काम काज करती रहती थी और जो बाबूजी थे वो पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते क्या, ठीक है। तो इस वजह से वह अपने आप इन सवालों को करते और अपने आप इनके जवाब ढूंढ लेते। जैसे कि आगे देख के क्या करता। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पढ़ निकलेंगे, बगैर पढ़ों के बच्चे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। तो श्यामा क्या कहती थी, बच्चों को क्या खिलाएगी यह चिड़िया बेचारी। केशव ने इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता। इस तरह से 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिनों दिन बढ़ती जाती थी। तो क्या हुआ कि उनके सवाल कैसे थे, अलग अलग तरीके के सवाल थे। जैसे कि उसकी जो बहन थी वो क्या कहती कि भैया ये बच्चे तुरंत निकल करके उड़ जाएंगे। तो केशव क्या कहता था कि नहीं, ये ऐसे निकल के नहीं उठ पाएंगे, पहले इनके पर निकलेंगे यानी पंख निकलेंगे इनके। तो फिर कहते कि जैक परों के बगैर कैसे उड़ेंगे। और क्या पूछते कि ये खिलाएगी क्या इन बेचारे बच्चों को। तो इसका जवाब जो उसका भाई था वो केशव, वो कुछ नहीं दे पाता। इस तरह कई दिन गुजर गए, 3-4 दिन गुजर गए उनके। लेकिन बच्चों की जिज्ञासा दिनों दिन बढ़ती चली गई, यानी कि उन्हें और कुछ सोचने लगे कि अब क्या होगा, इस तरह की चीज़ें सोचने लगे। फिर आगे क्या हुआ, अंडों को देखने के लिए वे अधीर होते। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे
चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कांजिस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। तो क्या हुआ कि तीन चार दिन जब गुजर गए तो वह और चीज़ें सोचने लगी कि अब तो अंडे में से बच्चे निकल गए होंगे, जरूर निकल गए होंगे। लेकिन जब भी बच्चे नहीं निकले थे, फिर उन्होंने यह अनुमान लगाया क्या कि बच्चे बेचारे अगर निकल भी गए तो वो भूखे पेट ही मर जाएंगे, क्योंकि जो चिड़िया है वो इतना सारा दाना कहाँ से लाएगी जो बच्चों को भी खिला ले और ख़ुद भी खा ले। तो इस मुसीबत का अंदाज़ा लगा करके उन्होंने दोनों ने ये फैसला किया कि वो कार्निस यानी कि जो दीवार पे थोड़ी सी जगह है जहाँ पे वो उनका घोंसला है वहाँ पे थोड़ा सा दाना रख दिया करे जाए। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई आपके पाठ की। ज़रा अब शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ है कार्निस मतलब दीवार की कन्नी, यानी कि थोड़ा सा भाग जो दीवार में बाकी रह जाता है। फिर है विद्वान यानी समझदार, पेचीदा यानी मुश्किल, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, और अधीर यानी परेशान होना। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई आपके शब्दार्थ की। अब जरा आपके गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? तो अंडों के बारे में केशव और श्यामा के अलग अलग तरह के सवाल उठते थे, जैसे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनसे बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, इस तरह के सवाल उनके मन में लगातार उठते रहते हैं। फिर है प्रश्न नंबर दो, केशव और श्यामा आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे? केशव और श्यामा अपने सवालों का जवाब अपने आप ही सवालों का जवाब देकर अपने दिल को तसल्ली इसलिए दिया करते थे क्योंकि उनकी ना तो अम्मा के पास समय था ना बाबूजी के पास समय था, वह दोनों ही किसी ना किसी काम में लगे रहते थे, जिस वजह से वह अपने आप ही अपने सवाल जवाब करते रहते थे और अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे। फिर है प्रश्न नंबर तीन, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में कई तरह के अनुमान लगाए, जैसे कि पर निकलते ही फुर से उड़ जाएंगे, बच्चे भूखे मर जाएंगे क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिलेगा, है ना, और बच्चे निकलेंगे तो कैसे होंगे, इस तरह के कुछ उन्होंने अनुमान लगाए बच्चों। फिर है प्रश्न नंबर चार, यदि उस जगह आप और आपका मित्र होते या होती तो आप दोनों क्या अनुमान लगाते और क्या करते? तो अगर आपका मित्र और आप होते उस जगह तो हो सकता है आप भी इसी तरह के अनुमान लगाते, ये मेरा अनुमान है। और अगर कुछ और अनुमान लगाते बच्चों तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है, अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या होता, सोच कर लिखिए। तो ये गर्मी के दिनों की चर्चा है, अगर सर्दी या बरसात का मौसम होता तो ये प्रक्रिया थोड़ी सी अलग होती, बच्चे अपनी सर्दी या बरसात के विषय में भी सोचते कि बच्चों को क्या नुकसान पहुँच सकता है इससे, क्या उन्हें हो सकता है, जैसे कि सर्दी के मौसम में उन्हें लगता कि बच्चों को ठंड लग सकती है ना, बरसात के मौसम में उन्हें लगता कि बच्चे भीग करके बारिश में गीले हो सकते हैं, तो इस तरह के कुछ अनुमान उन्हें लग सकते थे। और क्या अनुमान लग सकते थे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा बच्चों। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट होगी कम्प्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।